तो अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूं मैं चैप्टर वन यानी इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास 11th कॉमर्स के लिए। फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो यार फटाफट से इसका प्रॉपर जितना भी एक्सप्लेनेशन है यानी जहाँ भी कंसेप्ट का जो भी पार्ट है वो ऑलरेडी हमने एक सीरीज तैयार कर रखी है वो जरूर देख लें आप। फिर आप क्या कर सकते हैं, प्रॉपर देख सकते हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम पे। करना क्या है, लिंक दे रखा होगा, ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्ट करते बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग यानी चैप्टर वन से जो कि पेपर में आते रहते हैं दोस्तों, और ये प्रॉपर शानदार आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। ठीक है दोस्त, करोगे क्या, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर वन से स्टार्ट करते हैं कहानी, भाई क्या कह रहा है, कैसे कह रहा है दोस्तों, क्या कह रहा हूँ। व्हाट आर दी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग यानी अकाउंटिंग करने के क्या भाई ऑब्जेक्टिव है, क्यों करते हैं ऑब्जेक्टिव यानी क्यों अकाउंटिंग की जाती है, बेसिक फंडा क्या है अकाउंटिंग करने का। तो क्या कह रहा था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज एज फॉलो यानी कुछ इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं यानी कुछ फीचर्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक एक करके हम समझते हैं। क्या कह रहा है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस। अकाउंटिंग करने से आप क्या कर सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस कितना जा रहा है, कंपनी कितनी स्ट्रेंथ बढ़ती जा रही है, क्या हो रहा है, सारा आपको क्या करता है अकाउंटिंग डाटा देता है जिसको आप देख के बता सकते हो प्रॉफिट हुआ भाई लॉस हुआ। आ रही बात समझ। अगला आता है टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, भाई जितने भी आपने ट्रांजेक्शन करे होंगे प्रॉपर, हम एक साल की बात करते हैं इतना तो पता ही होगा आपको बेसिक, क्योंकि चैप्टर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हो तो यानी आपको आना चाहिए, ऑलरेडी आप इंट्रोडक्शन देख चुके होंगे। यानी प्रॉपर एक साल का ट्रांजेक्शन नोट करते हैं जिसमें हम फाइनेंशियल ईयर या कैलेंडर ईयर दोनों में से कोई सा भी उठा सकते हैं। तो आपको एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड देगा यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का जितना भी ट्रांजेक्शन हुआ है जिस भी पर्सन के साथ हुआ है उसका प्रॉपर आपके पास लेजर होगा, जर्नल होगा, A to Z इन्फॉर्मेशन होगी जो कि आपके बहुत काम आएगी इन फ्यूचर। अगर कोई भी आपको मिस अंडरस्टैंडिंग होगी किसी डेटर क्रेडिटर को तो आप प्रॉपर अपना डाटा उसको दिखा सकते हो और उसको दिखा सकते हो कि भाई हम सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं और प्रॉपर हमारे पास डाटा है। अगले पॉइंट में बर्फ करें मतलब बढ़ें तो टू ऑफर अकाउंटिंग डाटा टू इंटरेस्टेड पार्टीज, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी, हमें पता है हम प्रॉपर जो बिजनेस होते हैं अपनी बैलेंस शीट पब्लिश करते हैं 31 मार्च को क्योंकि अकाउंट्स क्लोज होते हैं, और उस बैलेंस शीट के अंदर आप चेक कर सकते हो। जैसे हम शेयर्स मार्केट में पैसा लगाते हैं, शेयर्स मार्केट में क्या होता है आप कंपनी की बैलेंस शीट चेक करते हो कि कंपनी को पिछले साल क्या रहा, इस साल क्या रहा, ये प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपको कौन देता है, प्रॉपर कंपनी ही देती है। और क्या करने से, अकाउंटिंग करने से। अगला आता है हेल्पफुल इन प्लानिंग, भाई हेल्प करता है प्लानिंग करने में कि आपकी बिजनेस को ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रेंथ बढ़ानी चाहिए, ऊपर करना चाहिए। तो ये सारा किसके अंदर मिलेगा, आपको अकाउंटिंग के अंदर मिलेगा। टू रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन, भाई हेल्प करता है प्रॉपर डेली बेसिस पे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती है, कहाँ पर करते हैं, जर्नल के अंदर करते हैं, ये तो हमें बेसिक पता होना चाहिए। जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स होता है उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, जर्नल को रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। तो ये टोटल 5 पॉइंट हो जाते हैं भाई ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के अंदर, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, अकाउंटिंग डाटा देता है प्रॉपर इंटरेस्टेड पार्टीज को, हेल्प करता है आपके बिजनेस के अंदर, रिकॉर्ड डे टू डे ट्रांजेक्शन। और ये वीडियोस को सेव कर लेंगे क्योंकि पेपर के टाइम पे बहुत ही काम आने वाली हैं आप लोगों के इस टाइप की वीडियोस। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन अकाउंटिंग, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और पूछता रहता है आपसे, इसका प्रॉपर एक मैं शॉर्ट ट्रिक बता देता हूं आपको याद रखना, IMRC फिर SIC, इस वे में आपको याद करना है, IMRC SIC, आइडेंटिफाई मेजरिंग रिकॉर्डिंग क्लासीफाई समराइजिंग इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग। अब जब आप प्रॉपर इसका प्रोसीजर इसी टाइप में होता है इसलिए मैंने आपको IMRC SIC करके लिखवाया, लाइक कि अकाउंटिंग इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस, इतना लिखा फिर लिख देना आइडेंटिफाई यानी आइडेंटिफाई करना है, फिर M मेजरिंग करनी है, फिर R रिकॉर्डिंग करनी है, फिर क्लासीफाई करना है, फिर समराइजिंग करना है, फिर इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन किसको, यूजर्स को, जो भी मेरी कंपनी से जुड़े हुए हैं, जो भी इंटरनल एक्सटर्नल है सारी। तो ये पर डेफिनेशन जाती है अकाउंटिंग की। ठीक है दोस्त, अगला एक क्वेश्चन जरूर पूछता रहता है कभी कभार इस चैप्टर के अंदर, व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम, किसे कहते हैं और होता क्या है। तो बहुत प्यारा डेफिनेशन लिखा है, द डबल एंट्री सिस्टम इज अ बुक कीपिंग मेथड दैट रिक्वायर्स एवरी ट्रांजेक्शन टू बी रिकॉर्डेड इन एटलीस्ट 2 डिफरेंट अकाउंट्स, यानी कोई भी ट्रांजेक्शन है एटलीस्ट 2 अकाउंट्स में रिकॉर्ड होगी,
मान लो अगर मैं सेल कर रहा हूँ किसी पर्सन को, तो वो भी कुछ रिकॉर्ड कर रहा होगा, मैं भी कुछ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी इक्वल और अपोजिट इफेक्ट के साथ से। जैसे यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो समझने के लिए प्रॉपर, कि भाई डबल एंट्री सिस्टम में अकाउंट ए है अकाउंट बी है, तो फर्स्ट एंट्री क्रेडिट साइड होगी और यहाँ पर डेबिट साइड हो जाती, कुछ भी हो सकते, इसी को हम डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम जो भी आप कहना चाहो कह सकते हो। तो बहुत प्यारा सा डेफिनेशन हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन बहुत ही एमसीक्यू लेके आए हैं दोस्त, फोर्थ क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और बताएंगे, बच्चे हालांकि गलत कर देते हैं। क्या कह रहा था, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग क्लासीफाई समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू द नो फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड बुक कीपिंग अकाउंटिंग जर्नलाइजिंग नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस तो कुछ होगा नहीं, जर्नलाइजिंग तो भाई हमें पता है जब एंट्रीज को प्रॉपर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं तो वो प्रॉपर प्रोसेस इज नोन एज जर्नलाइजिंग। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग के आई एम आर सी एस आई सी ये प्रॉपर प्रोसेस होता है। तो यहां पर क्या कह रहा था, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड कर रहे हो ठीक है, तो इसे हम अकाउंटिंग बोलेंगे ना कि बुक कीपिंग। आई बात समझ, ये प्रॉपर अकाउंटिंग का हो जाएगा। यहां पर बच्चा थोड़ा सा भी गलती कर देता और क्वेश्चन गलत हो जाता है। अगला कह रहा है, बुक कीपिंग इज एन आर्ट साइंस एट आर्ट एंड साइंस बोथ नन ऑफ दिस तो होगा नहीं, कुछ तो आंसर होगा। जो बुक कीपिंग होता है दोस्तों, बुक कीपिंग आपकी टी एस ग्रेवाल के अकॉर्डिंग आर्ट भी और साइंस भी, यानी दोनों ऑप्शन है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। पता है कमेंट करके बताओ भाई प्रॉपर आप। अगला सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन सिस्टमैटिक मैनर इज अ सेट ऑफ बुक्स इज कॉल्ड बुक कीपिंग। जो बुक कीपिंग को बोला जाता है, इट इज अ काइंड ऑफ आर्ट टू रिकॉर्ड ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ध्यान रखना ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे को पता है बहुत बच्चों को नहीं पता होगा, अगर आप हमारे सब्सक्राइबर हो तो आपको जरूर पता होगा, द फादर ऑफ अकाउंट्स कौन है दोस्त। फादर ऑफ अकाउंट्स किसे, आप इको का पढ़ते हो बाकियों का पढ़ते हो, बट फादर ऑफ अकाउंट्स नहीं पता होता है बच्चों को कॉमर्स लेने के बाद। तो बहुत प्यारा सा आंसर होता है इसका, लुका फ्रा पाशियोली। कमेंट करके जरूर बताएं भाई प्रॉपर इसकी स्पेलिंग क्या होगी, लुका फ्रा पाशियोली इटली के रहने वाले थे, और गूगल करके भी आप चेक कर सकते हो, कमेंट करके जरूर बताएं। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ बुक कीपिंग, में इसमें कौन सा पार्ट नहीं है। तो बुक कीपिंग के अंदर स्टार्टिंग के चार पार्ट आते हैं, आई एम आर सी। तो बुक कीपिंग के अंदर सारे ही आप चेक करो, आइडेंटिफाई क्लासिफाइंग रिकॉर्डिंग नील हो जाएगा इसका आंसर भाई, क्लियर है। अगला एट क्वेश्चन हो गया है, नाइन्थ क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे। व्हाट आर दी थ्री लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हो जाता है लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग का, पूछता है एग्जाम में 1-1, 2-2 मार्क्स के अंदर। क्या कह रहा है, सबसे पहला आता है प्राइस लेवल चेंज को हमारी अकाउंटिंग शो नहीं करती। अगर मैं आज के दिन में एक फोन खरीद लूं तो जो भी इसका प्राइस होगा 10,000, और आगे जाके अगर ये बढ़ जाए तो मैं उसको 10,000 ही रहने दूंगा, कभी चेंज नहीं करूंगा। तो ये प्रॉपर हिस्टोरिकल कंसेप्ट भी होता है जो कि आप फॉलो कर रहे होंगे, आपको पता होगा अगर आप चैप्टर 3 पढ़ के आ चुके हैं, नहीं पढ़ा तो यार हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें एक बार। विंडो ड्रेसिंग का सिंपल मतलब क्या होता है, होना कुछ और दिखाना कुछ और, यानी इन शॉर्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो इट मींस टू मैनिपुलेटिंग द अकाउंट या बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मैनिपुलेट कर देना, यानी चीजों को ऐसे दिखाना कि भाई बहुत अच्छा चल रहा है। इट इज नॉट फुल्ली एग्जैक्ट, अकाउंटिंग हमेशा फुल्ली एग्जैक्ट नहीं होता है, अकाउंटिंग हमेशा आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं देता है, ध्यान रखना। अगला आता है, इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव आइटम्स लाइक क्वालिटी ऑफ स्टाफ्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकता, क्योंकि इट रिकॉर्ड्स ओनली फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस। आ रही है बात समझ, बहुत ही सिंपल है। तो आखिरी और लास्ट क्वेश्चन में बढ़ने जा रहे हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन होती क्या, और आप अकाउंट्स पढ़ रहे हैं और आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन के बारे में नहीं पता, ऐसा नहीं होना चाहिए। बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या होता है, बहुत प्यारा सा डेफिनेशन है, बिजनेस ट्रांजेक्शन इज अ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बिटवीन टू और मोर पार्टीज दैट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स मनी एंड सर्विस, कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी ब्रीफ एज अ कैश परचेज, लॉन्ग लास्टिंग सर्विस, कुछ भी हो सकता है, यानी बिजनेस ट्रांजेक्शन या ट्रांजेक्शन विच इज इन टर्म्स ऑफ मनी और दो पर्सन या थर्ड पर्सन के बीच में हुई हो, इसी ये प्रॉपर डेफिनेशन होता है। ये टोटल 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे मैंने आपके लिए प्रॉपर दे दिए भाई। तब तक के लिए दोस्त थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को क्या कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें भाई दोस्तों के साथ।